हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय। आज मैं आपके सामने जेई में 99% कैसे मिल सकते हैं इसके लिए मैं आज आया हूं। किस तरीके से वो स्ट्रैटर्जी आप डिस्कस करोगे, किस तरीके से आप उसको अप्लाई करोगे स्ट्रैटर्जी को, यह मैं थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए आया हूं। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं। देखो, अगर नाटा में 150 या 160 स्कोर करना चाहते हो रिमेनिंग दो अटेम्प्ट में, तो उसके लिए हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। यहाँ पर आप पूरी डिटेल्स देख सकते हो। तो ये कोर्स में आपने ज़रूर रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि इसकी फ़ीस बहुत कम रखी गई है। आप एक बार कॉल करके फीस चेक कर सकते हो। तो कॉल डिटेल्स सारा का सारा व्हाट्सअप डिटेल्स हमने इसी में दे दिया है। तो उसमें आप कॉल करो, चेक करो कि सर फीस क्या है। आपको समझ में आएगा कि जो हमने फ़ीस रखी है वो जो आपके दोनों अटेम्प्ट की जो फॉर्म फी है उससे भी हमने कम फीस इसकी रखी है। तो ये सबको अफोर्डेबल होना चाहिए, यही इसका बेसिक मेन इंटेंशन है। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से ये बात क्लियर है आप लोगों के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप कॉल जल्दी से जल्दी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड सीट्स होती है। एक 18-20 सीट्स होती है जो हम लेते हैं, तो ऑलरेडी उतने स्टूडेंट हो चुके हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपने ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। एक कोशिश अच्छे से करो, हमारे साथ कोशिश करो ताकि आपको टॉप कॉलेज मिल सके। देखो, 110-112 मार्क पे कोई भी टॉप कॉलेज मिलने से रहा, आपको 150 स्कोर करना ही पड़ेगा। अगर आपको जे जे स्कूल ऑफ आर्ट लेना है, या फिर जामिया मिलिया लेना है, या फिर CCA चंडीगढ़ कॉलेज लेना है, या फिर सेप्ट लेना है, तो आपको अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। टॉप 150-160 स्कोर आपको करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आप थोड़ी सी फीस आप अगर अफोर्ड कर सकते हो, देखो अफोर्डेबल फीस है, तो आप ज़रूर अफोर्ड कर सकते हो ये चीज़ें। तो एक बार कॉल करो, फीस चेक करो, और फिर उसी तरीके से नाटा सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट प्रिपेयर करते हैं। तो ठीक है, उससे पहले अब JEE का जो एग्ज़ाम सामने है उसके लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, 99% आप कैसे रियलाइज़ कर सकते हो, ये एक बार देख लेते हैं। देखो, काफ़ी इजी चीज़ है 99% रियलाइज़ करना। बस एक चीज़ याद ध्यान रखना, यहाँ पे मेजर प्रीक्विजिट क्या है। आपने गए डेढ़ महीने से, एटलीस्ट 45 डेज या फिर 30 डेज से आप ड्राइंग का प्रिपरेशन अच्छा कर रहे हो, ड्राइंग डेली 90 मिनट्स तो कर रहे हो, एक ड्राइंग तो एक या दो ड्राइंग आप डेली कर रहे हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि एप्टीट्यूड और जीके जो पार्ट है, वहां पे आपको 47-48 क्वेश्चन आप बना सकते हो एक्यूरेटली। क्योंकि मेरे जो क्लास में स्टूडेंट है, मैं जिनकी क्लासेस लेता हूँ, जिन स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, उनको मैं 47-48 क्वेश्चन प्रिपेयर कर ही लेता हूँ। मेजॉरिटी स्टूडेंट ऐसे हैं वो जो 47-48 क्वेश्चन कर देते हैं, मतलब अगर मॉक्स वो दे तो 180-185 के ऊपर ही उनका स्कोर आता है। तो आपको 47-48 क्वेश्चन आने ही चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर फॉर एग्जाम्पल कभी अविनाश सर आपका ड्राइंग चेक करते हैं, अगर कभी चेक करने की ज़रूरत पड़ी और चेक करते हैं, तो आपको एक्सलेंट वहाँ पर मिलना चाहिए, क्योंकि कंपेरिजन तो अच्छे स्टूडेंट से होगा। और जो हमारे क्लासेस में स्टूडेंट होते हैं, आइदर उनको वेरी गुड या फिर एक्सलेंट ये ग्रेड दिया जाता है। तो एक्सलेंट अगर होता है तो आप इजीली आप 99% तक रहते हो। और यहाँ से अगर 47-48 क्वेश्चन आप अगर कर पाते हो एग्जाम में, तो यहाँ पे 97% मिलता है। 99% मिलता नहीं है, 97% मिलने के लिए 49 क्वेश्चन करने होते हैं, वो बहुत मुश्किल होते हैं। तो 97% यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा स्कोर, सेफ स्कोर माना जाता है, और ये अचीवेबल है 47-48 क्वेश्चन। आप मॉक देके देखो। चलो, मैं एक सिंपल चैलेंज करता हूँ, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, जिस नंबर के लिए मैंने नाटा के कोर्स के लिए कॉल बोला है उसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। सर मेरा स्कोर 45 आया, मेरा स्कोर 42 आया, आप मुझे कॉल कर सकते हो, आपका स्कोर कितना आता है। NTA की जो मॉक्स है उसमें मॉक दो और बोलो सर मुझे कितना स्कोर आया, कितना मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और कितना मुझे स्कोर आया। आपको स्क्रीनशॉट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी 7-8 दिन बचे हैं, थोड़ा कुछ अगर इम्प्रूव कर सके आपके मार्क तो देख सकते हैं। चलो देखते हैं मैथ्स के लिए क्या करना है। देखो, मैथ्स के लिए क्या करना है, तो मैथ्स दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट के लिए और एक वीक स्टूडेंट के लिए। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ड्राइंग सभी का स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, तो ड्राइंग में किसी स्टूडेंट को 95% तो मिनिमम मिलना चाहिए, मिनिमम। और एप्टीट्यूड में कोई ऑप्शन नहीं है, 97% या 96% चाहिए ही चाहिए, इससे कम या फिर इससे ज़्यादा मिल जाए तो अच्छा, पर इससे कम एक्सेप्टेबल नहीं है, 97% मुझे चाहिए ही चाहिए। देखो, अब इसकी बात करें मैथ्स की, फॉर एग्जांपल आप वीक हो मैथ्स में, मैथ्स में अगर स्ट्रांग हो, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए रहेगी, दोनों चीज़ें आप देख सकते हो किस तरीके से आप अटेम्प्ट करोगे। देखो, मैथ्स में अगर वीक हो तो आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं, तो रीजनिंग, उसके बाद में स्टैटिस्टिक,
रीजनिंग स्टैटिस्टिक एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। एक क्वेश्चन और वेक्टर 3D, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आते हैं, दो में तीन में से दो क्वेश्चन करना, तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। 5 क्वेश्चन करोगे तो कितना परसेंटाइल आएगा, तो परसेंटाइल आएगा आपका 65% 65 to 75% तक ये देखा जाता है कितना परसेंटाइल आपको मिलता है अगर इतने से टॉपिक करके जाते हो। देखो अगर 65% या 70 मैथ्स अगर वीक है और आपको ओवरऑल 99% चाहिए, तो आपको यहाँ पे 75%, यहाँ पे 99% और यहाँ पे 97% लगेगा, ठीक है ना। 75, 99 और 97% आपको लगेगा अगर मैथ्स में स्ट्रांग हो। अगर मैथ्स में स्ट्रांग हो तो देखो ये पाँच क्वेश्चन तो आप सॉल्व करोगे ही करोगे। देखो ये जो 5 क्वेश्चन है ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन तो आप सॉल्व करोगे ही करोगे। उसके ऊपर क्या क्या करना पड़ेगा ये भी समझो, उसके ऊपर करना पड़ सकता है 2 क्वेश्चन कैलकुलस के, कैलकुलस के 2 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 7 क्वेश्चन आने वाले हैं, 7 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन यहाँ पे एक कर लिया है एक्स्ट्रा, 2 एक लिमिट का क्वेश्चन या फिर एक डिफरेंशियल का क्वेश्चन या फिर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जो भी आपको अच्छा लगे, 2 क्वेश्चन आपको यहीं से करने पड़ेंगे। उसके बाद में मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, उसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से भी 2 क्वेश्चन ईजी होते हैं और शॉर्टकट से सॉल्व होते हैं सारे क्वेश्चन। मैट्रिक्स के सारे क्वेश्चन शॉर्टकट से सॉल्व हो गए, रीजनिंग शॉर्टकट से सॉल्व होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर 3D में एक क्वेश्चन शॉर्टकट से होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें शॉर्टकट से सॉल्व होती है। और नेक्स्ट में सीरीज सीक्वेंस आपको एक क्वेश्चन जरूर करना चाहिए, 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में से 1 क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। तो देखो टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं। लास्ट ईयर जो मेरा SPI दिल्ली में स्टूडेंट है उत्कर्ष यादव, उसने बस 10 ही क्वेश्चन किए थे और वो SPI दिल्ली में आज है। उसका ड्राइंग में 95% था, एप्टीट्यूड में 96% था और मैथ्स में भी उसका 95% था। कितना क्वेश्चन किया था, 10 क्वेश्चन बस किए थे और उसको SPI दिल्ली मिल गया था। तो मैं गलत नहीं बता रहा हूँ ना मिसगाइड कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर बता रहा हूँ कि आपको इसमें स्कोर आना चाहिए, क्योंकि मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि अगर आप 10 क्वेश्चन करते हो तो आपको 99% काफ़ी ईजी है, अगर आप 5 क्वेश्चन करते हो तो ड्राइंग पे फोकस करो, एप्टीट्यूड पे फोकस करो, आपका 99% ईजी है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई। अगर आप बात करते हैं मैथ्स में 99% चाहिए, देखो यहाँ से कितना परसेंटाइल होगा, तो यहाँ से 96% होगा। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं, अगर यहाँ पे 99% जाए तो क्या करेंगे, तो देखो जो मिसलेनियस टॉपिक बच गए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और जो भी अलजेब्रा का पार्ट बचा है, अलजेब्रा प्रोबेबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके बाद में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो सारी चीज़ें बची है, बाइनोमियल वगैरह जो सारी चीज़ें, उसमें से आप 3 क्वेश्चन कर सकते हो मैक्सिमम, 3 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन आप अगर ओवरऑल करते हो तो आपको 99% मिलता है और आपका टॉप इंडिया में टॉप 1 रैंक आएगा। इवन ये अगर 99 और 97% करते तो इंडिया में टॉप 1 रैंक आ सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी क्लियर हो गई होगी चीज़ें कैसे करोगे। अब बात करते करेंगे कहाँ से, तो देखो ड्राइंग तो आपको खुद से करनी पड़ेगी, अगर आपने हमारे पास क्लास लगाई या फिर बाहर कहीं ट्यूशंस लगाई है तो आप ड्राइंग वहाँ से करो। नहीं होम स्टडी कर रहे हो तो थोड़ा मुश्किल है ड्राइंग, क्योंकि उसमें थोड़ी थोड़ी ट्रिक होती है जो सर पढ़ाते हैं, सर का एक्सपीरियंस 35 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस कहाँ ना कहाँ मैटर करेगा, कहाँ ना कहाँ वो आपका रिजल्ट इंप्रूव करा के देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ एप्टीट्यूड कहाँ से करें, तो एप्टीट्यूड देखो अरिहंत पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि अरिहंत से बस 3 क्वेश्चन आएंगे। इवन वसीम खान अगर बुक आप फॉलो करते हो तो उसमें भी 2 से 3 ही क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखे जाते हैं GK के पार्ट के, ठीक है। तो आपको जो एप्टीट्यूड पार्ट है वो थोड़ा सा जनरल नॉलेज अच्छा रखना पड़ेगा, तभी ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो। क्योंकि 30 क्वेश्चन देखो 30 क्वेश्चन एप्टीट्यूड पार्ट से आएंगे और 20 क्वेश्चन GK से आएंगे, अगर प्रीवियस ईयर पैटर्न फॉलो होता है, 30 और 20 का पैटर्न फॉलो है, 35 और 15 का पैटर्न फॉलो नहीं है। ये बिल्कुल गलत मिसगाइडेंस है कि अब 35 और 15 का पैटर्न रहा है, वो 2018 से पहले में था, 2019 में भी दिखा था 35-15 का पैटर्न, पर लास्ट 2021 में जो सितंबर अटेम्प्ट हुआ था वहाँ पे 30 और 20 का पैटर्न दिखा था, इसलिए पेपर काफ़ी हार्ड था। तो ये चीज़ समझ लो कि 97 करना ही करना है, 99 करना है या फिर 95 करना है, और मैथ्स में जो सूट करे 75 भी कर सकते हो 5 क्वेश्चन लेके, स्ट्रांग हो मैथ्स में 96 करो, फिर भी आपका ओवरऑल 99% बन जाएगा। मेरे ख्याल से पूरा चीज़ क्लियर हो गई होगी, अच्छे से दिमाग में छप गई होगी चीज़,
तो ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार बोलता हूँ, अगर नाटा में 150-160 स्कोर करने में इंटरेस्टेड हो, ज़रूर होने चाहिए, अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो आपने ज़रूर हमारा क्रैश कोर्स जो लॉन्च हुआ है नाटा में सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट के लिए मिल के, तो वो ज्वाइन करो, क्योंकि उसकी फ़ीस आपकी पर अटेम्प्ट की फ़ीस के भी लो फीस है। आपका पर अटेम्प्ट का फीस 4,000 होता है, उससे भी कम फीस हमने रखी है, तो आप ज़रूर एक बार चेक करो वो चीज़ें और फिर डिसाइड करो ज्वाइन करना है नहीं करना है, क्योंकि नेक्स्ट दो दिन डेमो क्लासेस भी रहेगी नाटा के लिए, तो आप उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से स्ट्रैटर्जी क्लियर हो गई होगी कैसे करना है और किस तरीके से टारगेट करना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।